खेल रहे देखो इस तरह हाय से। लवली मर गई तो घर मन ये जाएगा हमारा घर, ये उन दोनों के लिए आया। और मैंने तुम्हारे भी सवाल तो खाने में जी हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, हम आ गए हैं अपनी दुकान में और हमने साथ जो भी होता है सारा काम निपटा लिया है। और मतलब जो हमारे गिफ्ट आइटम जो ट्वाइस आए थे वो गेम अभी नहीं लगे हैं हमारे। और संगीता ना और मैं मतलब दुकान का जो भी काम है हमने निपटा दिया, बस हमारे ट्वाइस जो है मतलब खिलौने जो आए हैं वो रह गए हैं लगाने के लिए। तो संगीता ना उन्हीं के साथ खेल रही है, मतलब वो काम कुछ भी नहीं कर रही है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, और कुछ ये हाल कर रखा है दुकान का, मतलब ये सारे खिलौने फैले हुए हैं, ये सारे यहीं लगे हैं। और इनको लगाने के बजाय संगीता ने ना ये ट्वाइस आया है जो नया आया है, इनके साथ खेल रहे देखो इस तरह से। मर गई तो घर मन अच्छा है नहीं, क्या बोलूं। हेलो, तो कुछ इस तरह का ट्राई जो संगीता ना एक घंटे से इसी के साथ खेल रही है और कह रही है हम ना इससे गढ़वाली में बात करेंगे। बोले तू बोल गरम होणू ना, गरम होणू ना, रिन्नु मर गई गरमन रिन्नु मर गई गरमन कल गुस्सा आ रहा है। संगीता ना रीनू मुझे बोलती है और उसको कह रही है कि मैं रीनू मर गई घर में, तो सेम वैसी मतलब बच्चों को खिलाने का है ट्वाइस। और सुबह से ना इसी के साथ खेल रही है, यार सुबह से जो भी ट्वाइस निकल रहे हैं सब उनके साथ खेल रही है। एक जो बच्चे के झूले में लगने का होता है थोड़ी देर पहले उसे झुला रही, मतलब उसको घुमा घुमा के टाइम पास किया। अब इसके साथ में तो इसको ना चार्ज करने का सिस्टम है, मतलब इसको चार्जिंग में लगा देना है और ये चार्ज हो जाएगा, मतलब सेल सुल भी कुछ डालने की जरूरत नहीं है इसमें। तो अभी बोल रही थी मैं गढ़वाली में बोलूंगी इसके साथ, हाँ तो बोलना गढ़वाली में। चुप गंदी कमर टुटल करो, बढ़िया यार, जोर जोर जैरनी के लिए ले जाना पड़ेगा, ये जोर जोर जैरनी के लिए ले जाना पड़ेगा, दूर है ना जोर उससे अच्छा है बिल्ली से। कमर मक्खी मोड़ दे लबरी, तू लबरी लपरा छोरी, अरे लबरा छोरी ए लबरा मर दी तू, भैया को जंगलो मुड़ गया आगे कमर टूट गई संगीता को, काम नहीं कर दी, चल काम कर, ये ठीक है। अब जो ये है तो ये ठीक है, हम दोनों ना आपस में एक दूसरे को गाली देंगे और ये इससे इसको बोलेंगे और ये आगे रिपीट करके सुना देगा। जो भी बोल रहे हैं ना तो वो यही रिपीट करता जा रहा है, मतलब अच्छा ट्राई है छोटे बच्चों के लिए, तो हम भी खेलने लग गए। तो हम ऐसे ही करते हैं थोड़ी देर ना, पहले देखते हैं कि क्या चीज़ आई है नहीं जो हमें नहीं, मतलब उसको देखते हैं कि निकाल के कैसे कैसे कर रहे हैं। जो ये लेके आए हैं हम, ये आया है जॉर्ज और जर्नी के लिए, ये जाएगा हमारा घर, ये उन दोनों के लिए आया है सॉफ्ट टॉयज में, मतलब सॉफ्ट है टेडी उसमें, और ये जॉर्ज और जर्नी के लिए है, तो ये जाएगा हमारा जॉर्ज जर्नी के लिए घर। बच्चों के आए हैं खूबसूरत से पिग्गी बैंक, जो ये सारे हैं इस तरह से डोरेमोन वाले। और अभी संगीता तू एक वो न करा रही थी यहाँ को झूमर बच्चों का, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छे से घूम रहा है। थोड़ी देर संगीता ने इसके साथ में खेली, फिर थोड़ी देर इसके साथ खेली, बोल रही थी ना है तो इसमें
और अब आ गई है संगीता की बारी, जो आए हैं बच्चों के प्यारे प्यारे से चश्मे, ये तो बहुत सुंदर है। और ये आ गए मुझको ले जाने के लिए। देखो हम क्या लेके आए, देखो अंकल नमस्ते, कैसे हो आप? ये तो तेरे पे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, इनमें तो तू बाजार भी जा सकती है। पर उनसे अच्छे हैं ये, उनसे घुटन हो रही है इनसे, बच्चों के है ना ये अच्छे वाले हैं सारे, कुछ ऐसे प्यारे प्यारे से डिजाइन में आ रखे हैं। और संगीता ने इन्हें पहन पहन के देखेगी सबको, और एक एक जोर जोर की बना दे अपने लिए। मैं काफ़ी देर तक इनके साथ खेलने के बाद अभी भी उसका मन नहीं कर रहा काम करने का, और मुझे जाना है थोड़ा मार्केट, तो मुझे लेने आ गए हैं ये। और थोड़ा हमने इन्हें बैठा दिया यहाँ पे क्योंकि अभी सामान फैला हुआ है ना, तो संगीता हाँ इंतज़ार करने के लिए। और अभी ये सारा सामान पड़ा है, बहुत मज़ा आ रही क्योंकि हमारे ज़माने में नहीं हुआ करते थे इस तरह के खिलौने ना, तो अभी मजे ले रहे हैं हम दोनों बहनें। नकली चित्र तुम इसके पास दे दो, ये बचाएगी थोड़ी देर। जेठ जी को आधा आधा खेल। तो अब मैं जा रही हूँ, और दोपहर के करीब 3:30 बजे मैं भी आ गई हूँ मार्केट से घर। और संगीता जो है वो दुकान में थी अकेली, क्योंकि मैं चली गई थी करीब 12:30 बजे चली गई थी मैं अपनी दुकान से मार्केट के लिए सामान लेने के लिए। और अभी बच्चे कशिस खाना ले आएगी, तो खाना पीना खा के थोड़ा आराम करने के बाद फिर शाम को चले जाएंगे हम अपनी दुकान में। ये लेके आए हैं, ये है कस्टर्ड, और ये लाए हैं मेयोनीज और चाय पत्ती। और मैं थोड़ा कम सामान लेके आई हूँ आज, क्योंकि जब संगीत और मैं साथ में जाते हैं तभी सामान लेके आते हैं। और ख़ास ये लेने गई थी कृष्णा के लिए पीनट बटर, जो उसे बहुत ज़रूरी चाहिए था। आई हूँ गर्मियों में खास अचार अपने लिए, और मैं माँ के यहाँ से भी लाई हूँ कच्चे कटे हुए आम, जिनका बनाना है हमें अभी अचार। और अभी ये सामान सारा ऐसे ही फैला है क्योंकि कृष्णा ने आते ही खोल दिया था सारा सामान, अब समेट देगा क्योंकि मैं तो अब आराम करने जाऊँगी। और ना ये हमारी लड़की आ गई है बाल कटवा के, कसू ने कटा दिए कुछ इस तरह के, और इसुदु ने नहीं कटवाए नहीं। और संसु ने और ये संसु आ गई छपरी बन के, ये क्या करा दिया तूने? 500 रुपए। और इसे 500। तो एक बार पहले तो दिखा के जाती तेरे बाल कैसे कैसे थे, बार बार के पास जाएगी। राम कैसी छपरी लग रही तू, छपरी छोकरी लग रही, लुंड छोरी, लुंड लग रही है ना, छोकरी लग रही है। लगे इसके बालों की कटिंग के। और ईसु बिचारी हमारी बिल्कुल सिंपल सी है, उसने बिल्कुल भी बाल नहीं कटवाए। और ईसु दिखा अपने बाल, स्कूल जाएगी तो स्कूल वाले क्या बोलेंगे? 3-4 लड़कियां ऐसी आती है, वो सारी की सारी स्कूल की लड़कियां। कैसी लग रही है तू? एक आता है वो रतन है कि रजत है, उसकी तरह लग रही है, रतन की तरह, रतन चौहान की तरह लग रही है। दिखा, रतन चौहान की तरह लग रही है। अब उसी की जैसे चश्मे चुश्मे लगा के डांस डांस करियो। और संसु का लुक लग रहा है कुछ ऐसा, और कसू ने कटाए इस तरह के बाल। तो करीब बच्चे आए हैं 700-800 रुपए फूक के, 800 रुपए, 750 रुपए, और कसू के 500 रुपए। इससे तो कुछ कराया नहीं इन्हें, कर्ल क्यों कर रखे, बाउंस की दे रखा इन्होंने। संसु मस्त लग रही है भाई तू, टाइगर रिएक्शन देख रहा हूं, टाइगर तो गुंडो वाला चिल्लाई रहा था भाई साहब। कैसे कैसे संसु पर तगड़ी लग रही है भाई तू, तो तू 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 यही था वैसे चल रहा था भी, मैंने बोला नहीं कैसे चल रहा है, अब तेरे को तो लांडे ही समझेंगे संजू। और रात की 9 बजे आ गए हम दोनों घर। अरे 10-15 दिन बाद ला रही गिफ्ट। अरे इसको को मैंने गिफ्ट नहीं दे रखा, बुलाइयो इसको गिफ्ट। तो पानी रात की 9 बजे दुकान से आने के, मतलब मार्केट से आने के बाद मैं चली गई थी 5 बजे दुकान में। फिर उसके बाद काम के साथ हम ब्लॉग नहीं, मतलब मैं वीडियो नहीं बना पाई,
अब मैं इसको बताती हूँ, 1 जून का कितनी, 1 जून का है उसका बर्थडे, 1 जून का बर्थडे और गिफ्ट आ जा रहा है उसके लिए। हैप्पी बर्थडे इसु, 1 महीने बाद तेरे को गिफ्ट मिल रहा, खोल तो ले बैठ के, 1 महीने बाद दे रही इसकी ताई से गिफ्ट। कसु इसका फेस भी दिखाइयो, कसु देख गिफ्ट। और मैंने छुपा रही थी इसको, आओ मेरी दुकान में जी। कुछ नहीं है यार, सड़ा सा गिफ्ट है। उसका फेवरेट है वो BTS। ये देखो संसु का है, ये देखना क्या बन के आएगी बेचारी आज।